तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, टाइप ऑफ कन्वर्जेंस में इसको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। टाइप ऑफ कन्वर्जेंस, डिजिटल कन्वर्जेंस, मैसेजिंग कन्वर्जेंस, मीडिया एंड कंटेंट। ओके, तो हम एक एक करके चारों टाइप डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो डिजिटल कन्वर्जेंस क्या होता है? कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कन्वर्जेंस मीन्स कह सकते हो कन्वर्ज मल्टीपल टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म और डिवाइस। ठीक है, कन्वर्जेंस। तो ओवरऑल की जितनी भी डिजिटल कन्वर्जेंस है, मैसेजिंग कन्वर्जेंस है, मीडिया कंटेंट, ये सब इनकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करने के लिए जो नए नए फीचर्स इसमें ऐड किए जा रहे हैं उन्हीं को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, जैसे डिजिटल कन्वर्जेंस क्या होता है? तो डिजिटल कन्वर्जेंस में कन्वर्ज करते हैं हम फोर टेक्निकल इंडस्ट्रीज़ को एक सिंगल यूनिट में, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं ITTCT। ओके, तो IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, T का फुल फॉर्म टेलीकम्युनिकेशन, कॉमर्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एंटरटेनमेंट। तो इस ITTCT का ही फुल फॉर्म है। मतलब ये जितने भी आप देख रहे हो ये सब डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जो कि एक साथ कंबाइन होकर एक सिंगल प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है, एक सिंगल इंडस्ट्री क्रिएट करती है, जो कि एक सिंगल इंडस्ट्री, एक सिंगल डिवाइस फॉर्म करती है, जो कि ये सारे कंपनीज अलग अलग जो प्लेटफॉर्म पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो एक सिंगल डिवाइस में हमें प्रोवाइड कराती है। दिस प्रोवाइड न्यू इनोवेशन सोल्यूशंस टू द कंज्यूमर एंड बिजनेस यूजर। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल कंजर्वेशन, कन्वर्जेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हमें और कंज्यूमर हो गया या बिजनेस लेवल पे जो यूजर्स होते हैं उन्हें डिफरेंट टाइप के फीचर्स और फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी बताया कि ये सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जो चार इंडस्ट्रीज हैं, ये चार पाँच इंडस्ट्रीज कंबाइन होकर एक सिंगल डिवाइस डिज़ाइन करती हैं, जिसको हम बोल सकते हो स्मार्टफोन, लैपटॉप, या जो कि इंटरनेट के थ्रू डिवाइसेस से कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट डिवाइसेस से, ताकि वो हमें एक फीचर्स प्रोवाइड कर सके। ठीक है, लार्ज स्केल पर हमें फीचर्स हो गए या उनके बेनिफिट्स हैं हम प्रोवाइड एक्सेस कर सके। ठीक है, और ये सब भी क्या होता है, एक स्मार्टफोन के अंदर कन्वर्जेंस ऑफ एप्लीकेशन होते हैं, डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, एक सिंगल प्लेटफॉर्म है हमारा स्मार्टफोन, उसी पे हम डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल हुआ, ठीक है, थ्रू द टेक्नोलॉजी ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये सब डिजिटल कंजर्वेशन के अंडर आता है। फिर होता है मैसेजिंग कंजर्वेशन। मैसेजिंग कंजर्वेशन में मैसेजिंग जो हम पहले करते थे, जो कि SMS, हम सीधे पहले के टाइम पर हम सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में SMS को सेंड करते थे, आज के टाइम पे हम SMS की इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए उसकी उसमें हमने क्या ऐड ऑन किया, वॉइस ऐड किया। आज के टाइम पे आप मैसेजेस में वीडियोस को भी अटैच करके भेज सकते हो। तो ये मैसेजिंग कंजर्वेशन होता है। हमने क्या कंजर्व किया, कन्वर्स किया। तो मैसेजिंग कन्वर्स में हमने क्या चीज़ों को ऐड ऑन किया, वॉइस ऐड किया, मतलब ऑडियो बोल सकते हो, वीडियो ऐड किया, ताकि हम अपने जो यूज़र्स हैं उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करा सकें और इंटरेक्टिव हम अपने SMS फीचर्स को इंक्रीज कर सकें, इन्हेंस कर सकें। फिर मीडिया कन्वर्जेंस आ गई। मीडिया कन्वर्जेंस मतलब जो पहले टाइम पे, जो ओल्ड टाइम पे जो मीडिया के कंटेंट थे उसको न्यू टाइम के मीडिया के कंटेंट के साथ इंटरेक्ट कराया गया और उससे एक नई नई टेक्निक जनरेट की गई, नई इन्फॉर्मेशन जनरेट की गई है, मतलब इंडस्ट्री लेवल पे हुआ, कल्चरल लेवल पे हुआ या सोशल लेवल पे हुआ, ताकि हम जो हमारे कंज्यूमर्स हैं या हमारे यूजर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को एक नई लेवल पर ले जा सके। कंटेंट कन्वर्जेंस क्या हुआ, मतलब जो भी हमारे इंटरनेट पे जो भी हमारे पास कंटेंट है उन्हें न्यू कंटेंट के साथ मिक्स करना, मैच करना, उन्हें फिट करके यूजर्स को, हमारे कंज्यूमर को दिखाना सोशल लेवल पर, ताकि हम अपने मीडिया को एक नेक्स्ट लेवल के, एक न्यू एक्सपीरियंस के फॉर्म में, एक नए तरीके के फॉर्म में लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। ओके, तो ये हमारे चार टाइप ऑफ कंजर्वेशन थे, डिजिटल कंजर्वेशन, मैसेजिंग कंजर्वेशन, मीडिया कंजर्वेशन एंड कंटेंट कंजर्वेशन। तो कन्वर्जेंस में क्या हुआ, डिजिटल कन्वर्जेंस में हमने देखा कि हम डिजिटली डिवाइसेस को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ताकि हम डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस को एक प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सके, डिफरेंट नेटवर्क को एक प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सके। मैसेजिंग में हमने देखा कि कैसे हमने मैसेजिंग को में डिफरेंट फीचर्स ऐड किए SMS में, जैसे कि ऑडियो वीडियो ऐड किया ताकि हम SMS कन्वर्जेंस कर सकें, SMS के फीचर्स को बढ़ा सकें। मीडिया कन्वर्जेंस में हमने ओल्ड मीडिया को कैसे न्यू मीडिया के साथ कन्वर्ज किया, और कंटेंट में हमने डिफरेंट टाइप के कंटेंट जो थे उन्हें कन्वर्ज किया, ताकि हम लोगों के इन्फॉर्मेशन को और अपनी इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस कर सकें, अपग्रेड कर सकें। ओके, तो ये था हमारा टाइप ऑफ कन्वर्जेंस। थैंक यू।